में ग्वार की फसल सबसे ज्यादा होती है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो ग्वार में यहाँ पैदा होता है। और बात करें ग्वार के भाव की तो पिछले कुछ समय से 4000 और 5000 के आसपास ग्वार का भाव चल रहा है। गंगानगर मंडी की बात करें तो 6-7 हजार क्विंटल रोज ग्वार यहाँ 6-700 क्विंटल रोज ग्वार यहाँ आता है। लेकिन व्यापारी इसको लेकर काफी मायूस नजर आते हैं क्योंकि ग्वार में सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ग्वार सबसे ज्यादा विदेशों में जाता है और डिमांड भी है, लेकिन बावजूद इसके सरकार की पॉलिसी न होने के कारण ग्वार पैदा करने वाले किसान से लेकर व्यापारी तक परेशान है। हमारे साथ बत्रा जी हैं, ग्वार पे बातचीत करेंगे इनके साथ। चित्रा जी बताइए, ग्वार के लेकर क्या आप क्या मानते हो कि राजस्थान में कितना प्रोडक्शन होता है? राजस्थान में अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया का 70% और मुख्यतः गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी क्रॉप बहुत अच्छी है। उसके बावजूद भी सरकार का इस ग्वार की फसल पे कोई भी ध्यान नहीं, जो आज की स्थिति है। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। अगर आप सेंट्रल सरकार का रेवेन्यू बोर्ड उठाकर देखो तो विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा ग्वार के एक्सपोर्ट से, ना तो सेंट्रल सरकार का इस इंडस्ट्री पर कोई ध्यान है और ना ही स्टेट सरकार इसके ऊपर कोई विशेष ध्यान दे पा रही है, जिससे किसान भी डे बाय डे नुकसान में जा रहा है और व्यापारी भी बहुत बड़ा मायूस है। और ग्वार गम इंडस्ट्री मेरे हिसाब से 2012-13 के बाद सिर्फ 25% ही रनिंग में है, अदरवाइज टोटल की टोटल इंडस्ट्री डेड। तो क्या आने वाले समय में कोई भाव ऊपर जाने की संभावना है? अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। डिमांड अच्छी है, डिमांड में भी अभी कुछ दिन ठीक है। बाकी अब कैरी ऑन से जो आ रहा है लास्ट ईयर का, उसका कोई मालूम आता है एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ता, इस वजह से इसके ऊपर भावों के ऊपर अपन कोई चर्चा नहीं कर सकते। सिर्फ क्योंकि 100% ये एक्सपोर्ट आइटम है, डिमांड पर ही निर्भर करता है। क्या लगता है सरकार को क्या किस प्रकार की पॉलिसी बनानी चाहिए? गवर्नमेंट को इसके ऊपर या तो इसका सपोर्ट प्राइस तय करे दूसरे जिंसों की तरह, तो जाकर कुछ किसान को इसमें मदद मिलेगी, राहत मिलेगी कुछ किसान को, तो किसान इसकी तरफ और ज्यादा ध्यान देगा। किसान तो सिर्फ एक बरयानी क्षेत्र के अंदर या नहरी क्षेत्र में जब ये देखता है अभी अब और कोई अल्टरनेट नहीं है तो क्या ग्वार की, किसान को ग्वार की बिजाई से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता, क्योंकि इसका उत्पादन नहरी क्षेत्र के अंदर 2-2.5 क्विंटल एवरेज से ज्यादा नहीं बैठता, किसान के खर्चे पूरे नहीं होते। तो क्या पानी भी इस फसल को कम चाहिए, तो ऐसे में सरकार को लगता नहीं कि अधिक पानी वाली फसलों की बजाय इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल सरकार को ध्यान देना चाहिए, पर सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं देती। सरकार का इस क्रॉप की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं। तो ये थे बत्रा जी, जो ग्वार के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा की है और पॉलिसी को लेकर सरकार से काफी मायूस है। व्यापारियों का भी यही मानना है कि ग्वार को सरकार ध्यान दे ताकि ग्वार के अंदर किसी प्रकार की भाव में तेजी आए और किसानों के साथ व्यापारियों का भी भला हो, क्योंकि सोचते हैं व्यापारी इसमें सट्टा प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है और सरकार की तरफ से ध्यान नहीं देने की वजह से इसके बाजार जो है काफी डाउनफॉल में चल रहे हैं। एक इसके अंदर NCGX के अंदर सेलर ऑप्शन है, सेलर के ऊपर जो है ना कोई दबाव नहीं है, बायर के ऊपर 24 घंटे दबाव रहता है, प्लस बदला लगता है एक तो बायर को। और मार्जिन के अंदर देखो तो जब नजायज मंदी चलती है तो ये मार्जिन को कम नहीं करते और तेजी चलते ही, थोड़ा सा तेजी चलते है ना, बायर के मार्जिन बढ़ा देते हैं। तो सरकार इसकी तरफ ध्यान देवे, सबसे ज्यादा डॉलरों में विदेशी मुद्रा मंगवाने वाली एग्री कमोडिटी है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को। और सरकार अगर ध्यान देवे तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका होना भी चाहिए और बेस प्राइस इसका इस साल का ये मानते हम 6000 रुपये होना चाहिए डेयरी कंडीशन। पेड़ का 250 रुपये खर्चा है, उसमें कोई खास बात नहीं है, 250 रुपये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, आज की तारीख में बहुत ज्यादा इस पर दबाव है
और अनएक्सेप्टेड दबाव है सट्टेबाजी का, बिना बेस के इसको बेचा जा रहा है, जिसको अपने देसी भाषा में ठगी का कह सकते हैं, ठगी है इसने। अगर इसको नेचुरल वे पे छोड़ दिया जाए तो 6,000 रुपये इसकी बेस वैल्यू होनी चाहिए। कितना प्रोडक्शन होता है? प्रोडक्शन तो खूब है, गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा ग्वार देता है, 50 लाख बोरी तक दे देता है, लेकिन समय अनुसार मौसम की मार, अब मौसम आता है, इसका मौसम पर बहुत बड़ा प्रभाव है। पानी नहीं चाहिए? नहीं, पानी चाहिए लेकिन समय अनुसार। अब पिछली बार जब हमारे फसल पकी पड़ी थी तो उस टाइम पानी गिर गया, इसका सारा ब्लैक कर दिया इसका ग्वार, क्वालिटी बिगड़ गई। बाकी पूरे राजस्थान में अच्छी है क्वालिटी, यहाँ की क्वालिटी जो है 70-30-50-50 ब्लैक हो गया था। आगे भाव जाने वाले हैं? आगे उम्मीद करते हैं 2024-25 की फसल में भाव 7500 से 8000 का देखने को मिलेगा, जैसे इस पर से दबाव बढ़ता है। डिमांड फॉरन की बहुत ज्यादा है, पिछले साल जो गम पाउडर विदेशों में गया है, तिमाही के डाटा आते हैं, जैसे मंथली भी आते हैं तिमाही के आते हैं, तो इस बार 2-2 महीने के जो डाटा है पिछले साल के 3-3 महीने के डाटा के बराबर माल बढ़ गया है। गम पाउडर, गम सेपरेट की बात कर रहा हूँ। डिमांड विदेशों में अच्छी है, क्या ज्यादा क्यों है, क्या कारण है? ये कुओं में भी जाता है, फूड में भी जाता है। अपने यहाँ हिंदुस्तान में तो नॉर्मली ताजा खाना ताजा बनाना, वहाँ जो है 6-6 महीने के डिब्बा पैक सामान बिकते हैं, तो उसके अंदर ये पाउडर डलता है खाने की, फूड के आइटम में भी और ऑयल के कुओं में भी। तो फूड वाले में इसकी एक्सपायरी, लॉन्ग एक्सपायरी बनाने के लिए इसकी विस्कोसिटी अच्छी होती है, खाने की चीज में डलता है। बहुत प्रोडक्ट है, इसकी बहुत यूज है। आपके हिसाब से सरकार को क्या पॉलिसी बनानी चाहिए इसके ऊपर? इसका बेस प्राइस बनाना चाहिए, जिसको आप कहते हो MSP, लागू होनी चाहिए, भी कम से कम इस भाव से नीचे ना। सरकार भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो खरीदने के लिए, जैसे सरसों है, गेहूं है, चना है, गवर्नमेंट लेती है, तो इसको भी सपोर्ट देना चाहिए। और NCDX से निकल जाए तो और बढ़िया है, बाकी तो मैं किसी बोलूंगा नहीं। लगता है कि कहीं सट्टा बाजार के चलते भी भाव ऊपर नहीं जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ पहले ये दबाव में है, पूरा बाजार फुल प्रेशर से दबा रखा है। डब्बे का जींस कह सकते हैं एक हिसाब से, डब्बे में ज्यादा स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है, सट्टेबाजी जिसको उस वजह से कहीं ना कहीं हाँ ये बाजार दबा हुआ है। तो क्या सरकार को कोई मोनो पॉलिसी बनानी? देखो जी, सेबी के अंडर में अब जो NCDX चलता है तो सेबी को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वॉल्यूम लेस सौदा हो रहा है, लोग करके राजी नहीं है, इतने पैसे लोगों के लग गए बिना वजह से। वजह से लगे ना तो समझ में आती है, बिना वजह लगे ना तो समझ में नहीं आती। लास्ट टाइम जब भाव ऊपर गए थे ग्वार के 30,000 के आसपास, तब क्या रीजन रहे थे? फॉरेन की डिमांड, तब भी कहीं ना कहीं में भी रोड़ा था, सट्टे का भी खेल था कुछ। हाँ, ये तो सबसे बड़ी आइटम ही सट्टेबाजी की यही है, और किसी चीज में सट्टेबाजी करते ही गवर्नमेंट डंडा उठा लेती है। इसको देखते हुए सरकार को इससे रेवेन्यू होगा अगर कंट्रोल किया? बिल्कुल बिल्कुल रेवेन्यू होगा सर सरकार को। विदेश वाले तो महंगा खरीदने को तैयार है, हिंदुस्तान वाले सस्ता बेचने को तैयार है, वो महंगा लेने को तैयार है और ये यहाँ वाले सस्ता बेचने को तैयार है। आलू किसान पैदा कर लेता है, 2 रुपए किलो में रुला देता है, वही चिप्स का पैकेट 250 रुपए किलो 400 रुपए किलो बिकता है, वही अपन खाते हैं हिंदुस्तान वाले। अब कितनी गोरी है रोज? अभी तो 500-600 क्विंटल है, अब तो अंतिम स्टेज पर है। उत्पादन की बात करें तो इस साल उत्पादन कहाँ खड़ा? नहीं अभी तो फिर बिजाई होगी सर, जून में तो बिजाई चालू होगी। अभी पिछले जो सीजन में हाँ 57-58 लाख का सेमिनार में आंकड़ा दिया था, जबकि 57-58 ना मानते हुए हम 70-72 मानते थे, वो आज भी है। काफी खप गया माल, जो नया आया था एंड टू माउथ खप गया, पिछले सालों के पुराने स्टॉक भी बहुत बड़ी मात्रा में खपे हैं, मिल वाले खूब माल ले गए। बताइए, हमारी दुकान नई धानमंडी में 193 नंबर पे लगभग 100 क्विंटल माल आया है। एक डेयरी हमारी वो बिकी है, मतलब ब्लैक है वो, तो वो 4645 रुपये बिका है। और ये वाली डेयरी है, ये थोड़ा बढ़िया माल है, सूखा माल है, साथ में 4845 बिका है, 200 रुपये डिफरेंस है दोनों के अंदर। और पूरे बाजार में लगभग 600-700 क्विंटल द्वारा आ रहे हैं, और रूटीन में लगभग 3 ब्लॉक में बोली हो जाती है। क्या कुछ रेट क्या चल रहा है, भाव क्या? लगभग 4745 से 4900 के बीच में बिकता है। कोई क्वालिटी के हिसाब से अगर कोई माल कमजोर है तो वो 100-200 रुपये ऊपर नीचे होकर बिकता है। ऊपर भाव जाने का उम्मीद है कोई? अब
अभी तो कोई ऐसी कोई उम्मीद नहीं लग रही है, कुछ 150 ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ ज़्यादा कोई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू बढ़ रही है क्या? नहीं, ऐसे कोई डिमांड नहीं है। तो क्या स्टोरियों द्वारा भाव को कंट्रोल? हाँ, स्टोरियों द्वारा ये भाव को ऊपर नीचे करते हैं, 100-200 रुपये कहीं बेच देते हैं, कहीं ले लेते हैं, ये इनका है। स्टोरियों ने जो करना होता है 100-200 का है, कोई बड़ी तेजी का कोई इसमें कोई नहीं। सरकार की कोई पॉलिसी है ग्वार के ऊपर? नहीं, कोई ग्वार अंतर्राष्ट्रीय कोई मार्केट में इसकी डिमांड होगी तो कोई भाव बढ़ सकते हैं, अन्यथा मुश्किल इसी में रहेगा।